वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नम्स के ज़रिए जो आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज है, इसकी ओपन जो मेरिट लिस्ट है उसका मेरिट क्या होगा, इस हवाले से इस वीडियो में बात होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि नम्स के ज़रिए जो है वो 40 सीट्स हैं आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में ओपन मेरिट MBBS के लिए। तो उन सीट्स पे जो है वो मेरिट क्या रहेगा, इस हवाले से इस वीडियो में बात होगी। आपने जो है वो पहले भी जो है वो इस मेरिट का काफ़ी पूछा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस हवाले से जो है वो इस मेरिट पे थोड़ी बात कर ली जाए। तो आपको मैं ज़रा 2018 जो प्रीवियस ईयर है उसके पहले एक दफ़ा मेरिट पे ले चलता हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नाम जो है वो प्राइवेसी के कंसर्न की वजह से जो है ब्लर किए गए हैं, कि ये आप देख सकते हैं ये मेरिट लिस्ट जो है वो 1 जनवरी 2019 को पब्लिश की गई है नम्स की वेबसाइट पे। इस पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे ख्याल में पहली या सेकंड मेरिट लिस्ट है कि जो पहला स्टूडेंट जो है उसका मेरिट जो है वो 92.6 से जो है वो स्टार्ट हुआ है। आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो ये लिस्ट है ओपन मेरिट MBBS की सीट्स के लिए, इसका आप मेरिट देख सकते हैं कि 92.6 से जो है वो मेरिट इसका शुरू हो रहा है पिछले साल यानी कि 2018 में, और जो इसका मेरिट जो है वो क्लोज हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं कि 88.64 पर। जो 40 यानी कि जो लास्ट सीट है ओपन मेरिट MBBS के लिए AMC में, उसका मेरिट 88.6 पर क्लोज हो रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है इसकी जो शुरू की मेरिट लिस्टें होती हैं इसमें मेरिट जो है वो 92 से लेके 88.6 तक रहा है लास्ट ईयर का। ये मेरिट जो है बाद में जो है वो वेरी भी करता है। सो इस साल भी जो है वो AMC का मेरिट 92-91% ही रहेगा शुरू की फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर। जो 40 सीट्स हैं ओपन MBBS के लिए उनका मेरिट जो है वो इस साल भी AMC का 92-91% ही रहेगा। और बाद में जो है वो मेरिट थर्ड या फोर्थ लिस्ट में ड्रॉप होके 89 पर भी आ सकता है, तो 89 वाले भी जो हैं वो बिल्कुल रेस से अभी आउट नहीं हुए हैं ऑफिशियल मेरिट लिस्ट तक, 89 वाले भी जो हैं वो बिल्कुल एलिजिबल हैं। सो कहने का मतलब ये कि इस साल भी मेरिट जो है वो 91, 90 और 89 पर ही रहेगा।